हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, हमारा आने का भी राइट नहीं है, कोई परमिशन बताइए आप। बिल्कुल हमारे पास मीट है, ये जो बैच जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी परमिशन है। आप हमको दिखा दीजिए, यहाँ आपके विद्यालय में आने के लिए ना, आप अंदर आए तो परमिशन लिए जी? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सर? चलिए आप चलिए हमारे साथ, जी आपके एचएम तो है ही नहीं, प्रधानाध्यापक जो आपको होना चाहिए यहाँ पे। छोड़िए, ठीक है, हम यहाँ पे किसी महोदय से किसी से भी कोई ऐसा सवाल नहीं किए, आप ही हमसे ना ऑकवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उन बच्चे, ये जो राष्ट्र चरित्र का निर्माण ये बच्चे करते हैं, इन्हें ये आज अंधकार में है, तो हम लोग कर दिए हैं। नहीं, हम आप पे तो कटाक्ष नहीं लगाए है। आप दिया बताइए, विज्ञान के शिक्षक है तो हिंदी यहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है? अरे भाई, आप इसमें घुसिएगा तो बहुत सारा मामला है, बहुत मामला, सुनिए बहुत मामला है। मास्टर से एक तर रहे चाहे बच्चा सके केकरो न पढ़ाबे छै ना। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तस्वीरों को जो तस्वीरें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। और ये चेयर, ये टेबल और ये कुर्सी, जहाँ कार्यालय, जहाँ प्रधानाध्यापक को अभी उपस्थित होना चाहिए, वो उपस्थित क्यों नहीं है? हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल करेंगे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था से हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये सवाल है। और देखिए, ये सुलभ शौचालय बंद भी है, इसमें ताला लगा हुआ है, तो सोचिए बच्चे जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ जाएंगे। हम इन सवालों का जवाब पूछना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से, बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से। ये देखिए, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। हम इसलिए तस्वीरों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बिहार की जो अभी शिक्षा व्यवस्था पे जो नए-नए एक्शन, नए-नए फरमान जारी हो रहे हैं, ठीक है, उससे पहले ये बदलाव बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले ये बदलाव होगा, उसके बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। ये बच्चे देखिए, ये बच्चे किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? दाल भात सब्जी तीज बना देता है। अच्छा, सब्जी तीज बना देता है, हरा सब्जी नहीं देता है, हरा सब्जी नहीं मिलता है। अच्छा, ड्रेस क्या है आपका, यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं? ड्रेस मिलता है। कहाँ है? किन के पहनते हैं? किन के पहनते हैं? अब बाथरूम जाते हैं? नहीं, इसमें तो बाथरूम तोड़ दिया है। बाथरूम तोड़ दिया जी? अब बंद क्यों है? बंद वो छोड़ सके है। जवाब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दे रही है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दे रही है कि क्या वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था है? जी कुछ भी नहीं है सर, हम लोग का तो बाल बच्चा सर, हमको लगता है कि एक लड़की मेरी पढ़ती है सातवें क्लास में जी। हमको लगता है कि उसको अपना नाम तक ढंग से लिखने नहीं, नाम भी लिखने जी, और वो सातवें क्लास में है, सेवन में जी, और मतलब किसी भी काम से कुछ नहीं है। हमारा बाल बच्चा मतलब क्या होगा सरकारी स्कूल में पढ़ा के, कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसा प्राइवेट में पढ़ाने के लिए? और सरकारी वाले खान का खिचड़ी के नाम पर लूट रहे हैं, कभी पानी डालते हैं खिला देते हैं, बच्चा कहता है आज खाना अच्छा नहीं है, कल खाना अच्छा नहीं है, स्कूल में कुछ व्यवस्था नहीं, देख रहे हैं बच्चे सबको खड़ा, कोई मतलब नहीं है, स्कूल के अंदर आ गया ताला लग गया, बच्चा घूम रहा, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। सर हमारा एक आपसे छोटा सा प्रश्न होगा, हम पूछ सकते हैं कि आपकी अनुमति होगी तो? कोई अनुमति नहीं है मेरे, कोई अनुमति नहीं है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। चलिए, सर को अनुमति, सर से अनुमति नहीं है, हम नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये तो सर को बुरा लग जाएगा। ये तो हम पूछने वाले क्या थे, हम आपको ये भी बता दें, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हम आपसे पूछते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हम आपसे यही पूछते हैं। व्हाट इज कंप्लीट फूड क्या होता है, हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। हमारा लेकिन ये राइट है, कोई राइट नहीं है, आपका आने का भी राइट। अच्छा, हमारा आने का भी राइट नहीं है, कोई परमिशन बताइए। बिल्कुल हमारे पास मीट है, ये जो बैच जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी परमिशन है। आप हमको दिखा दीजिए, यहाँ आपके विद्यालय में आने के लिए ना, आप अंदर आए तो परमिशन लिए जी? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सर? चलिए आप चलिए हमारे साथ, जी आपके एचएम तो है ही नहीं, प्रधानाध्यापक जो आपको होना चाहिए यहाँ पे। छोड़िए, ठीक है, हम यहाँ पे किसी महोदय से किसी से भी कोई ऐसा सवाल नहीं किए, आप ही हमसे ना ऑकवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उन बच्चे, ये जो राष्ट्र चरित्र का निर्माण ये बच्चे करते हैं, इन्हें ये आज अंधकार में है, तो हम लोग कर दिए हैं। नहीं, हम आप पे तो कटाक्ष नहीं लगाए है, आप पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है उन बच्चों को, इन बच्चों का। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। विज्ञान, कौन विज्ञानी था? विज्ञानी था ना, हिंदी। आप बताइए, विज्ञान के शिक्षक है तो हिंदी यहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है? अरे भाई, आप इसमें घुसिएगा तो बहुत सारा मामला है, ठीक, बहुत मामला, सुनिए बहुत मामला है, मामला। बच्चे लोग पढ़ाई उड़ाई होती है खूब होती है, अभी दो क्लास को पढ़ाना है, ठीक है, दो क्लास को क्यों पढ़ाना है, शिक्षक की कमी क्यों है?
शिक्षा की कमी इसलिए व्यवस्था मतलब उस तरह का नहीं है, शिक्षक रहेगा व्यवस्था मतलब में कमी है व्यवस्था शिक्षक तब ना, मतलब हम लोग कम शिक्षक है, दो आदमी मतलब दो क्लास को अरेंज किए हुए। अच्छा, दो क्लास को आप अरेंज किए, तो क्या करें बताइए। आपके नीचे जो शिक्षक लोग हैं बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम लोग हम तो अभी देख कर आ रहे हैं, उनके क्लास में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक, उनसे भी हम सवाल किए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछे है कि आपके पास राइट है कि नहीं, ठीक है, और आप हमसे राइट पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बच्चे आज के चरित्र का, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं, यही बच्चे देखिए पीछे इनके अभिभावक खड़े हैं, नीचे उम्मीद की किरण है ये, इनसे ये आपको उम्मीद की किरण ही है ना, आपके बच्चे आप ही के उम्मीद के किरण है ना, ये सारे बच्चे इन्हीं के उम्मीद के किरण है कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर जाएंगे, नौवां दसवां पढ़ के जाएंगे तो कहीं अच्छे किसी बढ़िया महाविद्यालय में एडमिशन होगा, वहाँ से 12वीं पास करेंगे और फिर वो वहाँ से जाएंगे किसी अच्छे कंपटीशन या अच्छे डिग्री के लिए जाएंगे। लेकिन ये क्या डिग्री के लिए जाएंगे, जहाँ के शिक्षक विज्ञान के शिक्षक हो और पढ़ाई यहाँ पे हिंदी हो रही है, जिनसे पूछा जा रहा है फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, उनको जानकारी ही नहीं है। अब ये बताइए क्या शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। चलिए हम आपको तमाम तस्वीरों को दिखा दिए कि क्या है यहाँ की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। मास्टर रहता है पश्चिम मुहे, लड़का रहता है दक्षिण मुहे, मास्टर रहता है पश्चिम में, लड़का रहता है दक्षिण मुहे, दिशा दिशा ही भटके भटकते रहता है, बच्चा क्या शिक्षा देगा, वो क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा। ये तो समस्याओं का यहाँ पे बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। मास्टर अपना की तरह कुर्सी लगाकर आराम करके बैठता है, बच्चा इधर मारामारी करता है, कोई निगरानी नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। अब बहुत सारे अभिभावक खड़े हैं, ठीक है, माता पिता खड़े हैं। जी बच्चा लड़की से काहे ना पूछ ली है। जी मास्टर साहेब से बहुत बात पूछ लिया, लड़को से तो लड़का से कहते पढ़ ही ना हो, आधा बच्चा का पढ़े आवता आधा बच्चा का पढ़ाई करे ना आवता, तो ना आवता तो आप अहाँ बताएगा तब तो न बच्चा से के पढ़ाएगा। मास्टर जो बन गया है मास्टर तो पढ़ने कोई मास्टर है ना उसका बताया है तो पढ़ता है। तो मास्टर साहब के तो में आते नहीं थे, एक मास्टर साहब के तो बारन विज्ञान के पढ़ाई बारन बैठ के हिंदी, ठीक, उन्हें घूमत आ रहा ये देखत आ रहा, बताओ जाओ मास्टर से एक तर रह बच्चा सके के करो ना पढ़ाब ना हम बच्चा से पूछे घर जाए अब गरीब आदमी हती तो हमरा औकात ना है से हम दुनिया पढ़ाऊ प्राइवेट स्कूल से जी। तो हम सब तो गरीब हती तो यही स्कूल में पढ़ते लड़का से पढ़ाई है ये ना और लड़का सब बताते तब से हाँ ये ना से ना पढ़ा ना पढ़ से मास्टर से खोता लगा ले रह जाए और लड़का सब मारा पीटी खो ले लखा टेटा खो भाग गए खिचड़ी वाली सा खिचड़ी बच गए। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी है, इस गांव का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी है और कुछ हमारा ग्रामीणों में भी कमी है। हम एक बार एक वीडियो बनाए थे, ग्रामीण से अनुरोध किए थे कि आप लोग कम से कम हफ्ता में एक बार जरूर आइए, कोई ना कोई हर एक इंसान का ग्राम में ग्रामीण में जितने हैं हर एक इंसान का दायित्व बनता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो कमी कुछ मेरे में भी है और मेरे में कमी इनका क्या है, इनको तो वेतन मिल जाता है। हम यही सवाल एक मास्टर साहब से कर दिए तो वो भी फर गए हैं, यही सवाल कि उनको तो क्या है कि 30,000-40,000-50,000 सरकार से पेमेंट आ रहा है, उसको तो आएगा ही आएगा, वो नहीं रुकने वाला है, चाहे सरकार एक दो महीना लेट करके दे चाहे पहले दे, वो बात अलग है, लेकिन पेमेंट उसको अवे कर रहा है, वो गोर हिलाएगा आराम से जाएगा, उसको क्या है, हमारा ग्रामीण का भी दायित्व बनता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री का बातें छोड़ दीजिए, उनका तो जिले में भी नहीं निरीक्षण होता है, यहाँ क्या कारण ग्रामीण, लेकिन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उन सबको यहाँ आना चाहिए, तो वो सब तो आराम से है। एक पीछे आदेश आया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनका वेतन रोक दिया गया, उनको वेतन मिलना ही नहीं चाहिए, किस काम का वेतन ले रहे हैं, आगे बैठ के दफ्तर में किस काम का वेतन, इसी काम का वेतन ले रहे हैं। आपको वो तमाम तस्वीरों को हम दिखा दिए कि बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आगे हमारे साथ आप बने रहिए तमाम अपडेट के लिए, सीतामढ़ी रमनी परसौनी से सुमित सिंह की 0.2 की ग्राउंड रिपोर्ट, धन्यवाद।